हाजीपुर तहसील में रेत तस्करों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं, जहां बीते दिनों तहसील के खड़संगी परिसर में एक मजदूर की ट्रैक्टर के नीचे आकर मृत्यु हो गई थी और वहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चिमूर तहसील के खड़संगी परिसर में कुछ ही दिन पूर्व अवैध रेत की तस्करी करते समय एक मजदूर की ट्रैक्टर के नीचे आकर मृत्यु होने की घटना प्रकाश में आई थी। जबकि इस मामले में ट्रैक्टर मालिक पूर्ण रूप से दोषी होने के बावजूद बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर के मालिक को एक राजनेता का वरदहस्त होने के कारण वह अपने आप को बचा सका है। इस मामले में मृतक मजदूर यह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई भी काम करता था और दुर्भाग्यवश वह इस दिन इन अवैध रेत तस्करों के ट्रैक्टर के नीचे आकर अपनी जान गंवा बैठा। और खबर अब यह भी आई है कि मृतक के परिजनों का मुंह बंद करने के लिए इस परिवार को कुछ का लालच भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि इन रेत तस्करों के लिए एक मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है और वहीं रेत तस्कर प्रशासन के करोड़ रुपए का चूना लगाने के लिए तैयार हैं। सत्ता की गर्मी में धुंध रेत तस्करों को हाथ लगाना अब प्रशासन के भी हाथ में नहीं है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। चिमूर से बालू सातपुते की रिपोर्ट।